फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कविता जी का उपवन। आपके सामने एक ब्यूटीफुल सी बर्ड बनी हुई है, होप करती हूँ आपको दिख गई होगी ये वाली। और ये जो बर्ड बनी हुई है ना, ये मेरे कैना लिली का प्लांट है, उस पर बनी हुई है। गार्डन में थोड़ी सी शिफ्टिंग कर दी है, क्योंकि डे तो नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो पता नहीं कौन से दिन आते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो शूट करती हूँ उसी दिन तो वीडियो आते नहीं है, दो तीन दिन के बाद आते हैं। तो थोड़ी सी शिफ्टिंग वगैरह जो है यहाँ पर कर दी है। हिबिकस पर मैंने ट्रीटमेंट कर दिया तो वो भी बहुत ऊपर चला गया है, ठीक है। तो ये बर्ड कैना लिली की है, इसका वीडियो चैनल पर है। फिर भी अगर आपको इसकी डिटेल वीडियो चाहिए, खाद, ट्रीटमेंट, सब कुछ का, तो कमेंट कर देना, तो मैं आप सबके साथ शो ज़रूर करूँगी। आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र का वीडियो है, और धूप को देख के ये मैं सोचना पता नहीं कितने बजे आ गई हैं, वीडियो शूट कर रही हैं। आप सबको पता ही है मॉर्निंग का टाइम है, और सुबह 8 बजे से ही धूप इतनी तेज़ हो जाती है, तो इसमें देखो हमारी तो कुछ गलती नहीं है, ठीक है। लिक्विड फर्टिलाइज़र, इस वाले लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप कभी भी डाल सकते हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल सुबह मॉर्निंग में ही डालो या फिर इवनिंग में डालो, ठीक है। आज का लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है उसमें कैल्शियम, आयरन, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज से भरपूर है, बहुत ही न्यूट्रिशन से भरपूर है आज का हमारा फर्टिलाइज़र। तो देखिए मेरी जो वेजिटेबल की मेरा संदूक है वो सूखा पड़ा है, तो मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र इस पर डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से ये होता है कि आपके प्लांट में इंस्टेंट न्यूट्रिशन चला जाता है, ठीक है। इंस्टेंट न्यूट्रिशन, जैसे हम इंसान बीमार हो जाते हैं और हमें भी ताकत की ज़रूरत होती है, धूप, गर्मी या कुछ भी हो, हम बीमार हो गए तो हमें ताकत की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए डॉक्टर को हम दवाई खा खा के जैसे परेशान हो जाते हैं ना, और फिर डॉक्टर को बोलते हैं कि भाई हमें तो कुछ ऐसा दे दो जो तुरंत बॉडी पर असर दिखाए, टॉनिक टाइप का। तो आज का हमारा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसी तरह का है, टॉनिक है, और इससे बहुत सारे गुण हैं, और आपके प्लांट को वो सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी जो इसमें हैं। चलिए, इसका कुछ पार्ट जो है वो मैंने पहले शूट करके रखा है, क्योंकि आपको इसको बनाने के लिए 2 से 3 या 4 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी इसकी गुडनेस आपके प्लांट को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आप सबके साथ शो करती हूँ, वो दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे क्या क्या मैंने किया है। प्लांट देख लो बिल्कुल लटक गए हैं, क्योंकि इनको पानी की ज़रूरत बहुत तेज़ी से है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लस्सी ले रखी है मैंने, जितनी पुरानी आपकी लस्सी होगी ना उतना रिज़ल्ट इसका बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी लस्सी लेना मतलब कि ये बिल्कुल खट्टी होनी चाहिए, 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन जितनी पुरानी हो उतनी ले लेना। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच इसमें हल्दी मिक्स कर दी है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद बस इसको छोड़ देंगे 4 से 5 दिन के लिए। आप इसको ज़्यादा दिन के लिए छोड़ोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, इसकी गुडनेस जो है वो बढ़ती रहेगी। तो मैं इसको ढक्कन से ढक दूँगी, मतलब कि लिड लगा कर रख दूँगी किसी भी चीज़ से। अब देखो टेरेस पर जो मिला मुझे मैंने उसी से ढक दिया है, आप भी ढक कर रख देना, और उसके बाद इसका यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये है वो हमारा फर्टिलाइज़र, ठीक है, जो आपके प्लांट को बिल्कुल टॉनिक की तरह ट्रीट करेगा, उसे टॉनिक की तरह न्यूट्रिशन देगा, और बहुत जल्दी उसमें आपको ग्रोथ दिखाई देगी। इस टाइम पर आपको सिर्फ प्लांट को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी है, उससे ज़्यादा फ्लावरिंग, ज़्यादा फ्रूटिंग लेने की आप कोशिश मत करो, केमिकल वगैरह डालकर उसको ज़्यादा पुश मत करो कि नहीं भैया मुझे फ्लावरिंग दो, क्योंकि इस टाइम पर ये जो मई जून चल रहा है ना, इस टाइम पर बहुत तेज़ गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। तो प्लांट पे अगर आपने केमिकल वाला कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डाला तो आपका प्लांट मर सकता है, इसलिए केमिकल को छोड़कर जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, उन सब चीज़ों की तरफ को जाओ, ठीक है। तो ये बनकर तैयार है। ये कैसे बनाया है मैं शुरुआत में ही दिखा दूंगी आपको, शॉर्टकट में दिखा देती हूँ। ये मैंने 3 से 4 दिन पहले बनाकर रखा था, वीडियो के शुरुआत में ही इसकी क्लिप में जोड़ दूंगी कैसे मैंने इसको बनाया है, या एंड में जोड़ दूंगी, शॉर्टकट में बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लस्सी ली थी जिसको मैंने 4 से 5 दिन पहले अपने घर पर लाकर रख लिया था, ताकि उसमें खटास बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें मग में इसको डाला, और उसमें डाली है 1 चम्मच हल्दी, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक ही लस्सी मिल पाई थी जिस दिन मैंने ये प्रोसेस किया था, क्योंकि मुझे इसे थोड़े दिन के लिए रखना था। अगर आपके पास पहले से लस्सी ज़्यादा पड़ी हुई है तो आप इसका इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाओ, ठीक है। रेशियो देखो, आप इस तरह से रख सकते हो कि 10 लीटर के पानी में आप 100 ग्राम के करीब डाल सकते हो, ठीक है। तो हमने ये डाल दिया, और अब हम इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि प्लांट तो बहुत सारे हैं, सब में ही हमें डालना है। और इसको इस तरह से आप मिक्स कर लो, ठीक है। मैंने हल्दी, अदरक ये सब ग्रो कर लिया है। हल्दी का वीडियो तो मेरे ख्याल से मैंने आप सबके साथ शो कर दिया है, बट अदरक का नहीं कर पाई हूँ, उसका डिटेल वीडियो जो है मैं आप सबके साथ शो करूँगी। पहले इसका वाटरिंग कर लेते हैं, फिर आपको बताती हूँ मैं। तो देखिए, जो आपका पॉट सूखा पड़ा हो हमेशा उसी में वाटरिंग किया कीजिए। जैसे कि अभी मॉर्निंग का टाइम है, मेरे ये पॉट सूखे हुए हैं,
तो मैं इनमें वाटरिंग कर दूंगी और शाम के टाइम फिर दोबारा से एक बार चक्कर लगाऊंगी, जो पॉट सूखे पड़े हैं उनमें शाम के टाइम वाटरिंग कर दूंगी। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आए हैं तो सब में डाल के जाओ। जैसे कि देखो ये सूखा पड़ा था, मैंने इसमें डाल दिया पानी, ये देखो ये गीला पड़ा है तो हम इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है ना। टैग देख लो यहाँ पर अदरक, और इसमें मैंने अदरक जो है वो ग्रो कर रखे हैं, ठीक है। अदरक को ला के रख लो, दो चार दिन के लिए ला के रख लो, और उसको ना किसी गीले कपड़े में डालकर उसको रख दो, ठीक है। फिर पूरा प्रोसेस जो है मैं आप सबके साथ शो करूँगी, पहले हम खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद उसको करके देखते हैं, अगर हमें रिजल्ट मिल जाते हैं तब हम आप सबके साथ उसको शो करते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा आपका पॉट है उतना ही पानी सब में डाल दीजिए, बड़ा है तो ज़्यादा डालो, छोटा है तो कम डालो। ये देखिए ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है तो इसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दूंगी, और जो गीले हैं उनमें थोड़ा सा कम डाल देंगे। बस यही प्रोसेस आपको करना है, सभी जगह मैं डाल लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी जगह जो है वाटरिंग कर दी है। होप करती हूँ आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा कि घर के जो होम मेड लिक्विड फर्टिलाइज़र होते हैं उनमें कितनी ताकत होती है, कितनी जान होती है, जो आपके प्लांट को बिल्कुल टॉनिक की तरह इंस्टेंट बूस्ट कर देंगे। तो ये आपने देखा होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो में आप सबके साथ शो किया था कि मैंने जो मेरे रोज़ हैं उनकी जगह जो है मैंने शिफ्ट कर दी है। तो आप अपने रोज़ की जगह बिल्कुल ऐसी जगह शिफ्ट कर दो जहाँ पर बिल्कुल धूप ना आती हो। उसके बाद देखो यहाँ पर बर्ड जो है वो बनी हुई है, फ्लावरिंग है जो लगातार हो रही है, न्यू ग्रोथ जो है लगातार हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछ लेना कॉमेंट करके, किसी भी टॉपिक पर हो गार्डनिंग से जुड़ा हुआ ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।